आखिरकार आज जनपद में पंचायत चुनाव का समापन हो ही गया। दिन भर जनपद की ग्रामीण जनता ने गांव की सरकार बनाने का जो फैसला लिया था उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्राम पंचायतों के प्रत्येक बूथों पर वोट डालने वालों की भीड़ लगी रही और प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ती रहीं। वहीं गांव की सरकार बनाने के लिए ग्रामीणों का जो उत्साह था, इसी उत्साह के चलते मतदान का प्रतिशत खबर लिखे जाने तक 62.71 रहा। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आदर सिंह के निर्देशन में जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 का मतदान शांतिपूर्ण एवं सकुशल पूर्वक संपन्न हुआ। जनपद में सुरक्षा बलों की देखरेख में प्रातः 7 बजे से मतदान कार्य प्रारंभ हुआ और निर्धारित समय तक लाइन में लगे मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग सायंकाल तक करके समाप्त हुआ। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मतदाताओं से पूरे दिन अपील करते रहे कि मास्क अवश्य लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन पर भी सभी लोग विशेष ध्यान दें। इस दौरान जनपद बाराबंकी के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया एवं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील करते रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आदर सिंह ने जनपद में प्रातः काल से देर शाम तक भ्रमणशील रहकर मतदान कार्यों एवं अवांछित तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए सुरक्षा बलों की देखरेख में जनपद के मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक सुरक्षा बल के साथ जनपद के सभी ब्लॉक क्षेत्रों का सघन भ्रमण कर प्रत्येक बिंदुओं पर पैनी नजर बनाए रखे हुए थे। आज जनपद बाराबंकी में पंचायत निर्वाचन सकुशल चल रहा है। अभी तक शाम 5 बजे तक की हमारी जो खबर है उसके हिसाब से लगभग 62-63% के बीच में मतदान हो चुका है। सभी जगह पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान रहा है, निष्पक्ष मतदान रहा है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत जो छोटी मोटी प्राप्त हुई थी उनका समाधान भी हो गया है और ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि 6 बजे तक सब जगह मतदान सकुशल संपन्न होके हमारी पार्टियां वापस आ जाएं और अपना सामग्री यहां पे सारे स्ट्रांग रूम में वो जमा कर दें के पालन का भी विषय और ये प्रयास किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाए।